दोस्तों ये है किशनगढ़ की मार्बल डंपिंग यार्ड, उधर घूमने के लिए गया था, उसका अलग से वीडियो आएगा। फिलहाल मैं हूँ किशनगढ़ रेलवे स्टेशन, जयपुर जाने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इंतज़ार है। कैसा लग रहा है? रो क्यों रहे हो? रो नहीं रहा हूँ, आँखों का दवाई लगाया, आई ड्रॉप्स, ज़्यादा मोबाइल देखने से हुआ, इसलिए मैं मोबाइल देखता नहीं हूँ अभी। इधर क्या लिखा है? ट्रैवल मोड ऑन। क्योंकि ट्रैवलिंग कर रहा है इसलिए ट्रैवल मोड ऑन है। अच्छा, हलाई ना कुछ खाओगी? गाइस दिस इज माय फिफ्थ वंदे भारत ट्रेन, दिस टाइम फ्रॉम उदयपुर टू जयपुर। अभी सब उतर गए हैं, खाली पड़ा हुआ है। जयपुर इज द लास्ट स्टेशन, 75 किलोमीटर है अभी। मेरे बच्चे के साथ हूँ अभी, तो अभी अच्छा सब उतर गए हैं। द फैसिलिटी इज ऑलमोस्ट सेम एवरीवेयर। जो इनॉग्रल ट्रेन था दिल्ली से वाराणसी, उससे मिलाएंगे तो काफ़ी कुछ थोड़ा चेंज हुआ है इस ट्रेन में। थोड़ा खेल रही है अभी, ये डब्बा खाली है। अजमेर में सब उतर गए लगता है। तो ये फिफ्थ वंदे भारत ट्रेन है, हरियाणा का ये दूसरा वंदे भारत ट्रेन है। चीनी नॉलेज दरान बंद हो, ये दरान बंद हो, दरान बंद हो, ऐसे सा ये बंद हो ये। अच्छा वाह, मैं पता है ना, बिदर 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 ये इंडिया इंडिया ये इंडिया दे। ये ट्रेन आ रहा है उदयपुर से और हम किशनगढ़ से बैठ गए, यानी अजमेर में लगता है सारा पैसेंजर्स उतर गए और ये डब्बा काफ़ी खाली है और मेरी बच्ची को अच्छा मौका मिला खेलने के लिए। जो भी बच्चे के साथ ट्रैवल करते हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि बच्चे के साथ ट्रैवल करना कोई आसान बात नहीं है। अब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है इट्स नॉट एन इजी टास्क। कल रात को इधर खेल रहे थे ना। मेरी बच्ची के लिए ये सेकेंड टाइम होगा वंदे भारत एक्सप्रेस। दोस्तों मेरा पहले भी बहुत सारा ब्लॉग्स है वंदे भारत के एक्सप्रेस के ऊपर, इसलिए मैंने ज़्यादा फुटेज लिया नहीं। फिर भी आप लोगों को कुछ सवाल होगा तो आप लोग पूछ सकते हो। ट्रेन अभी भी फर्स्ट क्लास है, बहुत ही माने बेस्ट ट्रेन है इंडिया में, सबसे बेस्ट ट्रेन। तो किशनगढ़ से जयपुर आने के लिए हम वापस इसी ट्रेन से बुकिंग किया था, ये देख लीजिए, इसका भी ब्लॉग आने वाले हैं किशनगढ़ की।